दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सीआरटी टीवी ठीक करना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो आप सीआरटी टीवी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसकी पिक्चर नहीं आ रही है, और जब हम उसको ऑन करते हैं तो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, लेकिन जो पिक्चर आनी चाहिए स्क्रीन पर वो नहीं आ रही है। जो उसकी रेड लाइट ये जल रही है, यह बता रही है कि इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई तो सही है, लेकिन जो सप्लाई इसकी पिक्चर जनरेट करती है वह सप्लाई नहीं आ रही है। तो अब दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको इस टीवी में क्या चेक करना है कि जिससे आपका टीवी है सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो टीवी आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये वेस्टर्न कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर टेंगो 101 है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी किट है। सबसे पहले हमारी 220 वोल्टेज इस किट के अंदर जाएगी। और इस किट में जाने के बाद वह इसके पावर सप्लाई के सेक्शन में चली जाएगी, जहां से उस 220 वोल्टेज को डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन सभी वोल्टेजेस को चेक करेंगे कि क्या वह वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन रही है नहीं बन रही है। अगर वह वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन जाती है फिर हम अपने सर्किट को आगे चेक करेंगे कि आगे कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों अगर हमारी वही वोल्टेज सही तरीके से नहीं वर्क कर रही होंगी तब हम केवल इस पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी इस पावर सप्लाई को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी पावर सप्लाई लगी हुई है, ये सारी हमारी पावर सप्लाई है। और ये हमारा SM ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो SNPS पावर सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है। इन पिंस पर हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन की गई वोल्टेज हमें इन पिंस पर मिलेगी। फ्रेंड्स इन पिन पर हमें 16 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 25 वोल्टेज और 112 वोल्टेज मिलेंगी। अगर यह चारों वोल्टेज हमें इस ट्रांसफार्मर पर मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। तब हम अपने सर्किट को आगे चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इन चारों वोल्टेज को मल्टीमीटर के द्वारा एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए और अपनी ब्लैक वाली पिन को इसकी ग्राउंड पर टच कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पिन पर हमारी 16 वोल्टेज होनी चाहिए और देखिए यहाँ मल्टीमीटर हमारा 16 वोल्टेज शो कर रहा है। और इस पिन पर हमारी 12 वोल्टेज होनी चाहिए और ये देखिए इसे 12 वोल्टेज हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है। इस पिन पर दोस्तों हमारी 25 वोल्टेज होनी चाहिए और हमारी 25 वोल्टेज इस पिन पर आ रही हैं। और देखिए दोस्तों इस वाली पिन पर हमारी 110 वोल्टेज होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 52 वोल्टेज ही मिल रही है। चलिए फ्रेंड्स, हमको पता चल गया कि जो हमारी प्रॉब्लम है वह हमारी पावर सप्लाई के अंदर है, और जिस वजह से हमें जहाँ पर 110 वोल्टेज मिलनी चाहिए वहाँ पर केवल हमको 52 वोल्टेज मिल रही है, यानी कि हमारी वोल्टेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही है। अब हम उसका पॉसिबल कारण ढूंढने वाले हैं कि क्या वजह है इस सर्किट में जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो दोस्तों अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पैर या आपका कोई भी हाथ ज़मीन से या दीवार से टच ना हो और आप केवल एक ही हाथ का प्रयोग करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और जब हमने इसको हाथ लगाया तो हमने पाया कि यह बिल्कुल ठंडा लगा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यह ख़राब नहीं हुआ। और इसकी EHTV बिल्कुल ठीक है क्योंकि यह बिल्कुल ठंडी पड़ी है। तो हमें यह बात का तो पता चल गया कि ये दोनों कंपोनेंट बिल्कुल सही हैं और क्योंकि बिल्कुल ये ठंडे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों प्रिकॉशन ध्यान रखें, केवल एक ही हाथ का प्रयोग करें और पैर आपके बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह TV इस टाइम 220 वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, हमारे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण इसके एनर्जी स्टोरेज का ख़राब होना हो सकता है, और एनर्जी स्टोरेज हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो
दोस्तों ये हमारा एक फिल्टर कैपेसिटर है जो 160 वोल्ट और 100 माइक्रोफेराड का है जो हमें लगता है कि खराब हो सकता है। इसके चेकिंग करने के लिए दोस्तों मैं अपनी वोल्टेज को चेक करता हूँ मल्टीमीटर से और इसके ऊपर इस कैपेसिटर को लगा कर देखता हूँ कि अगर हम इसको लगा दें तो क्या हमारी रीडिंग दोबारा से सही हो जाती है या नहीं हो जाती है। और दोस्तों आप देखिए जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया और मैंने इसको ऊपर वैसे ही सर्किट से इसको अटैच करके आपको दिखाया है और जैसे ही मैं इसको लगा रहा हूँ तो एकदम देखिए 112 वोल्टेज हो रही है, जो पहले 52 आ रही थी वो 112 वोल्टेज हो रही है। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि जो इसका पहले से ही फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है वह ख़राब हो चुका है, उसके अंदर कोई ख़राबी है, और जब मैं नया लगा रहा हूँ तब यह रीडिंग बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो दोस्तों यह कन्फर्म कर देता है कि हमारा फिल्टर कैपेसिटर ख़राब हो गया है। अब मैं उस फिल्टर कैपेसिटर जो पहले ही ख़राब हो चुका है उसको इस सर्किट से निकालूंगा और ये नया वाला इसके अंदर लगाएंगे। फ्रेंड्स यह वह फिल्टर कैपेसिटर है जो मैंने अभी सर्किट प्लेट से निकाला है। तो आइए दोस्तों मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों आप अपने मल्टीमीटर कॉन्टैक्ट टेस्टर पर पॉइंट कर लीजिए और देखिए जब हम इसको मेजर कर रहे हैं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, जो साफ बता रहा है कि यह ओपन हो चुका है। ये वाला फिल्टर कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओपन है, इसके अंदर से करंट बिल्कुल पास कर ही नहीं रहा है, यह सही है। दूसरे वाला जो मैंने दिखाया है ये मैंने इसके अंदर अभी लगाया है। अब मैं इसको नाप के दिखाता हूँ आपको कि यह किस तरीके रीडिंग देता है। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसको नापने वाला हूँ और देखिए जब मैंने लगाया तो पहले कुछ रीडिंग आएगी, ये देखिए, उसके बाद ये 1 दिखाएगा और फिर हम पलट कर इसको लगाएंगे तो फिर ये दोबारा से कुछ रीडिंग देगा, देखिए रीडिंग दी और फिर बाद में 1 हो गया। तो यह दर्शा रहा है कि दोनों साइड दो बिल्कुल सही है, ये वाला कैपेसिटर सही है, पहले कुछ रीडिंग दे रहा है और फिर 1 दिखा रहा है। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर को चार्ज को स्टोर कर लेता है और उसके बाद इसके अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, इसलिए पहले कोई रीडिंग दिखाता है और बाद में सर्किट हमारा ओपन हो जाता है। लेकिन यह वाला जो चार्ज है ये अपने अंदर चार्ज स्टोर ही नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल परमानेंटली ओपन ही दिखा रहा है, जो ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब है। तो फ्रेंड्स अब हमने इसका फिल्टर कैपेसिटर चेंज कर लिया है, अब हम अपने टीवी को चला कर देखते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारी पहले वोल्टेज आ रही थी 52, अब देखिए वहाँ पर 112 वोल्टेज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। उसके नीचे हमारी 25 वोल्टेज आ रही है, उसके नीचे दोस्तों हमारी अब 12 वोल्टेज आ रही है और उसके नीचे हमारी 16 वोल्टेज आ रही है। अब हमारी चारों पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।